दोस्तों डंके ड्रॉप 5 को लेकर मैन तारा बोलती है कि डंके का जो ड्रॉप 5 है वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। अर्जुन सिंह ने जो आवाज डंके ड्रॉप 3 में दिया है वो हर किसी को सुनाई देती है। और जो बॉर्डर क्रॉस करने वाला सीन है जहां गोलियां और बारूद सबसे ज्यादा चलता है वो लगता है कि डंके में सबसे ज्यादा क्लाइमेक्स वाला सीन भी हो सकता है। डंके फिल्म में जितने भी सीन दिखाई जाएगी वो हर किसी को पसंद आएगा। सबसे बड़ी बात कि डंके फिल्म जो डायरेक्टर बना रहे हैं वो सुपर हिट है। डंके के अलावा जितने भी फिल्म दिए है वो भी सुपर हिट है। डंके भी सुपर हिट होगी क्योंकि साथ में बॉलीवुड के बादशाह है शाहरुख खान का स्टार्डम काफी बड़ा। और इस बार जो डंके से शाहरुख खान तबाही मचाएंगे वो हर किसी को याद रहेगा। आपको बता दें कि जर्मनी में डंके की एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो गई है और वहां पर डंके ने रिलीज होने से पहले ही तहलका मचा दिया। और जहां भी डंके को सपोर्ट मिल रहा है वहां पर डंके तबाही मचा रही है। और पूरी दुनिया में शाहरुख खान ग्लोबल स्टार है और बहुत ही बड़े सुपरस्टार है, इसीलिए शाहरुख खान को भारत ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी उतनी ज्यादा पसंद करते हैं। और इस बार डंके को लोग उतना ही ज्यादा सपोर्ट करेंगे जितना कि शाहरुख खान की पिछली फिल्म जवान और पठान को मिला था। और इस बार डंके सबको रुलाने वाली है क्योंकि डंके की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। और डंके में चार ऐसे दोस्तों की कहानी है जो कि भारत को छोड़कर विदेश जाना चाहते हैं और वहां पर जाने के लिए गलत रास्ते का अपनाते हैं और यही गलत रास्तों के कारण बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ जाता है। और इस बार राजकुमारी रानी जो स्टोरी अपने फैंस के लिए शेयर करने वाले हैं वो जरूर लोगों को पसंद आएगा। तो देखते हैं कि आखिर राजकुमारी रानी अपने फैंस को कैसी स्टोरी शेयर करते हैं और क्या अपने स्टोरी से फैंस का दिल जीत पाते हैं या फिर नहीं। वैसे इंतजार है फिल्म डंकी का। वैसे आप कितना ज्यादा एक्साइटेड है फिल्म डंकी को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।